नमस्कार देवी और सज्जनों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ होंडा सीबी 200X और इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन है वो काफ़ी अच्छी सी है। मैं आपको एक एक करके चेक कराता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। और ये बात ध्यान दें कि मैं हूँ आपका अपना राज भाई, आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो ब्लॉग लाता हूँ, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सब्सक्राइब नहीं करते गलत बात है, चलो वो करना बाद में, पहले देखा मॉडिफिकेशन। इसके अंदर आपको देखने मिलेगा वाइज़र, जो कि लुक चेकआउट कर लो इसकी कैसी आती है लगने के बाद। आपकी है तो ये सीबी 200X, बट इसके अंदर जो वाइज़र है वो हमने लगा दिया इसके अंदर BMW वाला, क्योंकि BMW हम किसी में फिट करते हैं, कस्टमर की चॉइस होनी चाहिए, फिट करना हमारा काम होता है। जैसे कि देख सकते हैं फिटमेंट को कमी होती नहीं है, इसके अंदर लगा देगा बहुत ही हैवी फिटिंग के साथ, साथ में इसमें लगा देगा, देख सकते हैं। ये है इसका GPS माउंट, जो कि इसके अंदर आप देख सकते हैं, लुक चेकआउट कर लो इसकी GPS माउंट कैसी आती है लगने के बाद। साथ में इसमें लगा दिया गया सिमटेक ओरिजिनल वायरलेस वाटरप्रूफ वाला मोबाइल होल्डर, जो कि मिलता है आपको सिमटेक ओरिजिनल, इसकी मिलती है आपको 1.5 साल की गारंटी काउंटर प्लेसमेंट। और इसके बाद आपको दिखाते हैं आगे की तरफ, ये आपको देखने मिलेगी इसके अंदर, देख सकते हैं हेडलाइट ग्रिल, जो कि मिलती है आपको ओरिजिनल, इसी की है ये आपकी, जो कि आपकी है सीबी 200X की, किसी और बाइक की नहीं है, सिर्फ इसी बाइक की है जो कि इसमें फिट कर दी गई। इससे आपकी हेडलाइट भी सेफ होती है और साथ में ना इसका लुकिंग भी काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाती है। और देख सकते हैं ये किसके अंदर लगा दिया गया, ये मरगार्ड, जो कि BMW वाला है, ये इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए। इससे लुक काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है इसे लगाने के बाद, क्योंकि ना नॉर्मली लगा होता है BMW वाली बाइक के अंदर, आपने देखा होगा फेंडर मरगार्ड, बट इसके अंदर लगने के बाद ना लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। और इसकी जो सबसे खासियत पता है क्या, ये प्रॉपर फिटमेंट है, कोई जुगाड़ नहीं है इसके अंदर, प्रॉपर फिटमेंट में फिट कर देगा। लुक आप देख सकते हैं फ्रंट से इसका कैसा व्यू आ रहा है, और साइड में वो देखने मिलेगा इसके अंदर शॉकर प्रोटेक्शन, जिससे आपका शॉकर और मरगार्ड डिस्प्ले सब कुछ होता है आपका सेम इधर। और गोल्डन शॉकर है, गोल्डन का आपको ये लगा देगा, तो मैचिंग जरूरी होता है जो इसके अंदर लगा देगा। साथ में को मिलते हैं, देख सकते हैं ये इसके व्हील कवर, जो कि आप देख सकते हैं लुक काफ़ी इनहेंस हो जाती है इसे लगने के बाद, दोनों तरफ इधर भी और इधर भी। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर फुल बॉडी क्रैश कार्ड, क्योंकि आप देख सकते हैं ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए। इससे आपका टैंक और आपके लेग्स और आपकी फेयरिंग्स ये सब होता है पूरा सेफ। और साथ में आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है, ये फॉग लैंप, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए। ये आपका हो गया येलो, ये आपका हो गया वाइट, येलो वाइट, ये आपका फॉग लैंप है जो कि वाई वाला, ये भी इसके अंदर लगा दिए गए, जिससे रोड पर चलने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि रोड पर ना ज़्यादा व्यू नज़र आता नहीं है इसकी हेडलाइट से, और इससे आपको पूरा व्यू नज़र आएगा आपको फ्रंट का। और जैसे क्रैश गार्ड में दिखाया इस तरफ, ऐसे सेम मिलेगा आपको इस तरफ, देख सकते हैं लुक चेकआउट कर लो दोनों तरफ। और एक छोटी सी जोर लगा दी गई है, देख सकते हैं उड़ने वाले पर, ये भी इसके अंदर लगा दिए गए हैं, वैसे उड़ेगा नहीं मजाक था, बट ये विंग्स हैं इसके जो लगा दिए गए इसके अंदर लुक इनहेंस करने के लिए। साथ में आपको मिलता है सिमटेक ओरिजिनल, इसके अंदर मिलता है हैजार्ड, जो कि आप देख सकते हैं जितनी बार बटन ऑन ऑफ करूँगा, ये आपके इंडिकेटर्स, तो ये इसके अंदर देख सकते हैं जितनी बार मैं बटन ऑन ऑफ करूँगा उतनी बार इसके पैटर्न्स होते रहेंगे चेंज। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ मोबाइल होल्डर, जो कि इसके अंदर लगा दिया गया है, बहुत ही सस्ता सा बढ़िया सा, देख सकते हैं मोबाइल होल्डर, ये भी इसके अंदर लगा दिया गया है। मोबाइल होल्डर लगाने के बाद सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, कहीं भी आप जाना चाहो तो मोबाइल होल्ड करके इसके अंदर GPS ऑन करके निकल सकते हो किसी भी राइड पर। और इसके बाद आपको देखने मिलेगा इसका ब्रेक पैंडल एक्सटेंडर, जिससे आपका ब्रेक पैंडल जो है बड़ा हो जाता है और ब्रेक मारने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है आपको। और बैक साइड में देखेंगे तो आपको मिलेगी सैडल स्टे, इधर भी सेम इधर भी दोनों तरफ सैडल स्टे, और साथ में मिलता है आपको टॉप रैक, जो कि लगा देगा प्रॉपर फिटमेंट वाला। इसे लगाने के बाद समझ लो आपकी राइड जो होगी वो इजी राइड हो जाती है आपको इसे लगाने के बाद। और आप टॉप बॉक्स के अंदर लगा हुआ भैया घर छोड़ा है, ठीक है ना, साइड में आप चाहो तो पैनियर्स के अंदर फिट करा सकते हो। साथ में इसमें लगाया हुआ है टायर, अगर जिससे आपको डस्ट वगैरह कंट्रोल, भैया ने ज़्यादा ऊपर इसलिए लगा रखा है क्योंकि उनको डस्ट पूरी कंट्रोल करनी है, इसलिए वैसे बेसिकली नीचे लगा होता है। और अब मैं सुनाता हूँ इसके एग्जॉस्ट फुल सिस्टम, R9 का एग्जॉस्ट है और ना फुल सिस्टम। आगे देखो उधर लास्ट टाइम किया था हमने काम, देख सकते हैं आगे से लेकर पीछे तक, जिन लोगों को इसका बैंड पैप बनवाना हो वो आ जाए सीधा राजू भाई के पास, यहाँ पर आपका सारा काम हो जाता है इजीली। और अब मैं सुनाता हूँ साउंड, बहुत देर की बातें करते हुए, ये देखिए ये हो गया आपका आइडल, आइडल थी, अब मैं देता हूँ रेस। सुन लिया आपने साउंड, और भी अगर आपको इसमें कोई और एग्जॉस्ट लगाना तो वो भी आप इसके अंदर लगा सकते हो। और ये तो थी इस बाइक की मॉडिफिकेशन। अब मैं बुलाना चाहूँगा अपने प्रिय मित्र को, जो कि आए हैं इस बाइक को लेकर हमारे पास, काम इन्होंने पहले भी कराया था और अब भी कुछ कराया, तो कृपया करें पधारिए हमारे पास। तो कैसे हैं सर आप? एकदम परफेक्ट। और आप कैसे? बस हम फर्स्ट क्लास। और आपको कैसा लगा आपको दोबारा आकर हमारे पास? बस मुझे थोड़ा बहुत और काम कराना था तो आगे आपके पास। आपको ऐसा उम्मीद था कि ये सब कुछ हो सकता है इसका? बिल्कुल आपके पास होता है, मतलब इतना विश्वास करना पड़ता है इससे कहते हैं प्यार।
क्योंकि पहले R15 था, फिर हीरो था, अभी होंडा लेके आ गया। तो कितने टाइम से आ रहा है हमारे पास? हो गया दो ढाई साल। दो ढाई साल। एक बार भी हमने आपको शिकायत का मौका दिया किसी? नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो आज आपने उसको रिप्लेस ही कर दिया, तो हो गया काम सॉल्व। रिप्लेस कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल। देख रहे हो भाई, सब कुछ भाई सब खुद ही गए थे, हमें बोलने का मौका नहीं। नहीं, मेरा प्रॉब्लम था तो मैंने इनको फ़ोन किया था, टाइम नहीं मिला तो वो थोड़ा सा टूट गया था, तो उन्होंने पूरा रिप्लेस कर दिया और सपोर्ट भी दे दिया साइड में, तो काम हो गया। आप दिखा सकते हो वहाँ पे, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा बेस्ट है। आओ, इनका एक्चुअली क्या था? यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, देन ये मुझे न्यू मिला आज, ये पूरा न्यू लग गया और साथ में ये सपोर्टर भी आज लग गया। सपोर्टिंग कह रहे हैं भैया कि भी हमने लगा दो, कोई बात नहीं, हमने लगा दी गई, क्योंकि जिन लोगों ज़्यादा एक्चुअली क्या है, इसमें गलती हमारी भी नहीं है और इनकी भी नहीं है। इन लोगों ने इन्होंने टॉप बॉक्स लगा, उसमें वेट ज़्यादा होता है, टॉप बॉक्स का वेट होता है, फिर उसका वेट भी इन्होंने ज़्यादा रखा, उसके इसमें टूट गया। बट हमारा पता क्या फंडा है, अगर हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमारे पास आ सकते हैं, आँख बंद करके और सीधा नया लगवा सकते हैं। गलत तो नहीं सर? यस, नहीं नहीं। ऑल अबाउट, अब क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को जो देख रहे हैं हमें काफ़ी टाइम से, और अभी नए जो जुड़ रहे हैं उनके लिए भी, कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए ऑल इंडिया से या कहीं और? हाँ, अगर ऑल इंडिया से आते हो तो आप पहले तो अगर क्वेरी होता है तो आप कॉल कर लो, डिस्प्ले में जो भी नंबर्स होते हैं आप कॉल करो और क्वेरीज कंप्लीट करके आप आ सकते हो डायरेक्टली भी, क्योंकि दूर से आएंगे तो क्या पता स्टॉक में ना हो सामान, तो सामान आ जाएगा आपके पास। बाकी सामान ऑलमोस्ट होता ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल अबाउट कहने का मतलब ये है कि आँख बंद करके बंदा हमारे पास आता है, इतना ट्रस्ट कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मार्केट में किसी और पर ट्रस्ट कर सकता है कोई बंदा? मैं तो यहाँ पे आया हूँ तो मैं यहाँ का बोलूँगा, तो मेरे लिए तो अच्छा है क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे आ ही रहा हूँ और कंटिन्यू भी आ रहा हूँ। कंटिन्यू? यस। कंटिन्यू आने का मतलब ये होता है कि जो कस्टमर्स काम कराता है उसको पता होता है कि हमारा काम कैसा हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, ठीक है ना? तो डेफिनेटली इसको ट्रस्ट होता है कि भाई वहाँ गए हैं, वहाँ पे हमारा पहले काम अच्छा हो, अब भी अच्छा होगा और आगे भी अच्छा होगा, इसकी उम्मीद भी होती है। बिल्कुल। और कोई प्रॉब्लम हो तो हम बैठे हैं यार, राजू भाई अपना नुकसान करके आपका फ़ायदा ही कराएगा, क्योंकि समझ पता है मार्केट में ऐसे लोग हैं जो एक 2 रुपए की चीज़ भी ख़राब होती है ना तो पता है सारा ब्लेम डालते हैं कस्टमर पर, सर आपने वेट ज़्यादा रखा है, आपका गलती है। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, खैर मुझे भी लगा शायद मुझे फिर से न्यू लेना पड़ेगा, फिर अनएक्सपेक्टेडली मुझे नया मिल गया और मैंने कुछ भी पे नहीं किया। अनएक्सपेक्टेडली हमारे लिए एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम हुआ है। वैसे तो जो भी सामान लाया है कोई भी डैमेज अभी तक नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ था, मे बी वेट ज़्यादा या जो भी था, बट हो गया मेरा काम। चलो तो अब ध्यान रखिए, थैंक यू सर आपका आने के लिए। और सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए, छोटा चैनल है तुम्हारे भाई का राजू भाई SKD के नाम से, जो कि मिलता है आपको इंस्टाग्राम से, मिलेगा आपको यूट्यूब पर भी। तो वीडियो चले तो कृपया करके सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दे, क्योंकि आपका ये भाई ऐसे इंटरेस्टिंग और वीडियो एंड ब्लॉग्स हमेशा लाता रहता है और लाता रहेगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड बाय।